नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslivemp.com। मध्य प्रदेश का मौसम पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ है। तेज तपतपाती उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला है, कुछ ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। किसान इससे परेशान है, लेकिन बाकी आम लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली हुई है। कुछ राजनीति का माहौल भी इसी तरह से बदला हुआ है। तीखे तेज कमेंट्स, टिप्पणियाँ, इन सबकी जगह पर कुछ चुटीले कमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश में तबादले हुए। अभी 2-3 दिन पहले ही प्रशासनिक सर्जरी कर डाली है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और 50 आईएएस इधर से उधर हुए हैं। आने वाले चुनावों को देखते हुए भी इसको एक उनके हिसाब की जमावट माना जा रहा है, ताकि वो चुनाव जीत सके। अब इस पर अभी तक तो कांग्रेस काफ़ी हमलावर थी। तबादला उद्योग, फिर कोरोना के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तबादलों में जुटे हुए हैं, पैसे खा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, तमाम आरोप सरकार पर लगते रहे। मामला गंभीर बताया गया, गंभीर उसको बनाया गया, तीखे कमेंट्स किए गए। लेकिन अब एक बड़ा चुटीला सा जुमला चल निकला है सोशल मीडिया पर, अगर आपने पढ़ा हो तो। दीनदयाल जी, जो बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, काफ़ी सम्माननीय उनके नेता हैं जिनको फॉलो करती है बीजेपी, उनके नाम से एक जुमला चल रहा है कि दीनदयाल सशुल्क उठापटक योजना मध्य प्रदेश में जारी है। अब आप सोचेंगे ये क्या है। दरअसल जो तेज़ी से तबादले हो रहे हैं, उसे नाम दिया गया है उठापटक योजना। और जैसा दावा किया जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए इसे नाम दिया गया है सशुल्क। यानी आरोप ये है कि पैसे लेकर तबादले किए जा रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। अब नाम दीनदयाल इसलिए दिया गया क्योंकि वो बीजेपी के पितृपुरुष हैं। आमतौर पर बीजेपी की योजनाएं दीनदयाल जी के नाम से ही होती हैं, इसलिए इस पूरे जुमले को नाम दिया गया है दीनदयाल सशुल्क उठापटक योजना। और एक बहुत ही गंभीर मसले को बहुत ही चुटीले और बहुत ही आम भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। हालांकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस तरह के किसी जुमले को ट्वीट या फिर इसको ये नहीं कहा है कि ये उनकी तरफ से दिया गया नाम है, इससे बच रही है कांग्रेस। लेकिन ये नाम किसने दिया होगा, इसका थिंक टैंक कौन हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब देखना यह है कि जिसने भी ये कोशिश की है कि तबादला उद्योग को इससे आसानी से समझाया जा सके, वो कोशिश सफल होती है या नहीं। नमस्कार।